हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.8। इसमें कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो दोस्तों, जैसे सपोज करो कोई, दिस इज द बल्ब, ये कोई बल्ब है और टंगस्टन बल्ब नहीं है। क्या है? टंगस्टन बल्ब नहीं है ना, ये कोई बल्ब है और ये क्या कर रहा है, फिक्स्ड वेवलेंथ की, ये कोई बल्ब है और फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है। ये कोई बल्ब हुआ, ठीक है, और फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है। वेवलेंथ कितनी है लाइट की? लैम्डा इक्वल्स टू 4000 पिकोमीटर, 10^-12 मीटर। क्लियर? कोई बल्ब है, ये तो दिस इज द बल्ब और फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है ना। आप सबको पता है लाइट बिहेव लाइक की ड्यूल नेचर बिहेव करती है। जब लाइट प्रोपेगेट करती है तो लाइट ए वेव, जब लाइट प्रोपेगेट करती है तो कैसे बिहेव करती है, एज ए वेव। और जब इंट्रैक्ट करती है, जैसे मान लो ये यहां पर कोई किसी पार्टिकल से इंट्रैक्ट करती है तो लाइट बिहेव ए पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब यहां पे जैसे इस वेवलेंथ, ये कोई लाइट है और इसकी वेवलेंथ ये है, अगर इन टर्म्स ऑफ, जैसे पार्टिकल नेचर के लिए हम इन टर्म्स ऑफ फोटोन में बात करें, क्या इन टर्म्स ऑफ फोटोन के अंदर बात करें तो इस लाइट के फोटोन की एनर्जी, देखो अगर ये इन टर्म्स ऑफ फोटोन में बात करें तो ये लाइट होगी जैसे ऐसे, जैसे यहां इंट्रैक्ट करेगा ना किसी पार्टिकल सरफेस से, है ना, तो ऐसे प्रतीत होगा जैसे ये पार्टिकल मतलब फोटोन आ रहे हैं। क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से अपने को पता लगा था। अब ये फोटोन यानी इस लाइट की वेवलेंथ इतनी है, तो हर फोटोन की अगर आप, इन फोटोन की अगर एनर्जी चाहिए अपने, इन फोटोन की एनर्जी चाहिए तो कैसे निकालोगे, E = h nu। सभी फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, E = h nu। ठीक है, तो E = h, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10^-34 जूल सेकंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी देर के, यहां पे वेवलेंथ गिवन है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन आपको पता है C/λ होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पुट कर दो C/λ, तो C की वैल्यू होती है 3×10^8 और डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 4000 पिकोमीटर, तो 10^-2 मीटर मीटर पर सेकंड, और ये हो ही गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी ईच फोटोन की एनर्जी E = 6.626 × 10^-34 × 3×10^8 डिवाइड बाय 4000 × 10^-12 मीटर, और यह आ जाएगा जूल। ये हर फोटोन का एनर्जी है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि इन टोटल फोटोन्स की एनर्जी प्रोवाइड्स 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं अगर आपको ऐसे लिख दूं कि n × E = E total, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे एक फोटोन का एनर्जी इतना है, तो मैं सबका फोटोन का एनर्जी (n) करूंगा तो मेरे को प्रोवाइड कर रहा 1 जूल, तो इस रिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो n = E total अपॉन हर फोटोन का एनर्जी, तो n = 1/(ये वाला डिवाइड करूं 6.626 × 10^-34 3×10^8 और वो ऊपर चला जाएगा 4000 × 10^-joule। ठीक है, और ये भी जूल में, देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, ये भी जूल में आएगा, 1 जूल है ये भी जूल, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो n = इसको सोल्व करो, इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो पहले तो इनको हटाओ सबको, देखो इसको ऊपर ले जाओ 10^-8, ठीक है 10^-8, इसको भी ऊपर ले जाओ 10^34 पॉजिटिव, ठीक है
ठीक है। अब इनको सोल्व करो, ये हो गया 10 टू पावर 20 हो गया, 10 टू पावर माइनस 12, और ये आ जाएगा इससे चेंज गया तो ये आ जाएगा 10 टू पावर 14, 10 टू पावर 14 सॉरी 14, और इसमें भी थोड़ा सा हटा दो, दो हटा दो तो ये आ जाएगा 10 टू पावर 16, 10 टू पावर 16, क्लियर ठीक है। अब इसको इसको इन दोनों को इससे डिवाइड कर दो, देखो 40 डिवाइड बाय इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 36 18 को 8 यहां से लाइक 1 6 3 2 6 1 7 36 18 यहां से लाइक 36 18 1 19 19 पॉइंट ये आ जाएगा और इनटू 10 टू पावर 16 ठीक है। n इक्वल्स टू इसको डिवाइड करोगे 2.012 इनटू 10 टू पावर 16 फोटॉन्स आ जाएंगे, क्लियर हुआ। मतलब ध्यान से सुनो, दोबारा से बता देता हूं, कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है, अगर इन टर्म्स ऑफ फोटोन आपको फोटोन चाहिए तो ईच फोटोन का एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू होगा। यहां पे वेवलेंथ गिवन है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लैम्डा पुट कर देना ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे कह रहा है कि देखो दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब टोटल फोटॉन्स अपने को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें 1 जूल, तो मतलब ये जैसे इनको हर फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू, तो N इक्वल टू E इक्वल टू टोटल एनर्जी 1 जूल ठीक है, उससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा ठीक है दोस्तों।